एक 12 टीबी की हार्ड ड्राइव लिया जाए या फिर 3-4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लिया जाए। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक यूजर जब एक हार्ड ड्राइव खरीदने जाता है उससे पहले उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक 12 टीबी की हार्ड ड्राइव ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू 3-4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। अगर हम यहाँ पे प्राइस को साइड में कर देते हैं तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग एडवांटेजेस हैं। अगर आप 3-4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपको एक 12 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव के साथ नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली दोनों का अपना अपना डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी की ड्राइव खरीदने जाते हो तो इससे पहले एज ए कंज्यूमर आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमोजीत, आप देख रहे हैं गीकी सोमो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक 12 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी ड्राइव है, इसमें आप जितना चाहो उतना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। एक नॉर्मल यूज़र के लिए अपने होल लाइफ की स्टोरेज बन जाती है, और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ऑब्वियसली 12 टेराबाइट एक ह्यूज अमाउंट है। इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि आप एक 12 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव के अंदर आप अपना एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो। अगर आप 4K में भी शूट करते हो तो भी आप अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसमें स्टोर कर सकते हो, और एक तो क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। तो अगर किसी वजह से आपका एक 12 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव क्रैश होती है तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपका लॉस होगा। ऑब्वियसली हम इस बात से मुकर नहीं सकते कि कुछ हार्ड ड्राइव्स अपने लाइफ स्पैन ख़त्म होने से पहले ही फेल हो जाती हैं। ज़्यादातर एक हार्ड ड्राइव 5 से 6 साल तक आराम से चल जाती हैं, पर कुछ हार्ड ड्राइव 2 साल के अंदर अंदर ही अपना दम तोड़ देती हैं, तो ऐसे भी सिनारियो बनता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन पे एक 12 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो आप सोच सकते हो कि आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके साथ साथ पैसे की बर्बादी तो है ही है। एक 12 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव अराउंड 40,000 रुपीज़ की आती है, तो अगर ड्राइव खराब हो जाती है तो 40,000 आपका गया। इस सिचुएशन पे आप ऑब्वियसली अपने ड्राइव को रिपेयर करवा सकते हो। हार्ड ड्राइव में भी रिपेयर हो जाए पर उसका डेटा मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर हार्ड ड्राइव की प्लेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलो। तो यहाँ पे ही जो स्मॉल कैपेसिटी की ड्राइव्स हैं वो बाजी मार जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लिया है, तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आपका एक हार्ड ड्राइव फॉर एग्जांपल फेल भी हो जाती है तो आपका कुछ अमाउंट का डेटा तो लॉस होगा, पर बाकी का डाटा तो सही है ना, तो इसको तो आप यूज़ कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैसे की बर्बादी भी काफ़ी कम हो जाती है। एक 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव अराउंड 10,000 रुपीज़ की आती है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये की नुकसान हो रही है, और वहाँ पे कितना हो रहा था 40,000। तो ठीक है, आपको यहाँ पे मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे 5 टेराबाइट कॉस्ट की बात करूँ तो जो 12 TB की हार्ड ड्राइव होती है यहाँ पे आपको 5 टेराबाइट 3,300 रुपीज़ देना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो 4 TB की हार्ड ड्राइव है यहाँ पे आपको 5 टेराबाइट सिर्फ 2,500 रुपये देने पड़ते हैं। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव ज़्यादा सस्ते में मिलता है। अगर आप 3-4 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव भी परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल पे करना होगा सिर्फ 30,000 रुपये, और वहाँ पे कितना करना पड़ रहा था 40,000 रुपये। उसके साथ साथ आप अगर मल्टीपल ड्राइव्स को एक साथ यूज़ करते हो तो ऐसे सिचुएशन पे आप एक और काम कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस को इनक्रीज़ करने के लिए, अपना जो ड्राइव्स है उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए आप ऐसे सिचुएशन पे रेड का हेल्प ले सकते हो। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इजीली RAID 0 क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस और डेटा की सिक्योरिटी दोनों ही चाहिए तो आप 4 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव के साथ RAID 5 क्रिएट कर लीजिए। एनीवे, मैं आपको रेड के बारे में किसी अगले वीडियो में समझाऊंगा। चलिए अभी इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको शायद ऐसा लग रहा होगा एट ए फर्स्ट ग्लैंस, आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम मल्टीपल लोअर कैपेसिटी ड्राइव्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, राइट?
पर ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आप मल्टीपल ड्राइव्स को एक साथ यूज़ करते हो तो ऐसी सिचुएशन पे आपको सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो है वाइब्रेशन एंड नॉइज़। बेसिकली होता क्या है कि जो हार्ड ड्राइव्स है हमारा वो एक मैकेनिकल ड्राइव है, इसमें मोटर्स है, इसमें आपको प्लेटर देखने को मिलता है जो कॉन्टिन्यूसली मूव होता रहता है, उसके साथ साथ एक हेड भी है जो कॉन्टिन्यूसली आगे पीछे होता रहता है, तो इसके रिगार्डिंग एक नॉइज प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे मोटर घूम रहा है तो एक वाइब्रेशन भी क्रिएट होता है। तो अगर मल्टीपल ड्राइव्स एक साथ चले तो यहाँ पे जितने ड्राइव्स चलेंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में वाइब्रेशन और नॉइज़ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे तीन ड्राइव है हमारे पास, 4 TB की 3 ड्राइव्स है, तो यहाँ पे जो नॉइज़ है, जो वाइब्रेशन है वो 3 गुना क्रिएट होगा। उसके साथ साथ हीट प्रोडक्शन और पावर कंजम्पशन भी 3 गुना होगा। अब यहाँ पे हीट की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, वो है एयर फ्लो। अगर आप अपने सिस्टम में 3 या फिर 4 हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हो तो इस टाइम पे केबल हैजार्ड बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे केबल हैजार्ड बढ़ेगा उतना ही यहाँ पे जो एयर है वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एयर फ्लो ठीक से ना होने की वजह से आपके कंप्यूटर की जो CPU है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, इनका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जनरली होता क्या है कि कंज्यूमर ग्रेड में अवेलेबल जितने भी कैबिनेट्स हैं यहाँ पे 3 या फिर 4 हार्ड ड्राइव स्लॉट्स दिया हुआ रहता है, और मदरबोर्ड के केस में यहाँ पे आपको मैक्सिमम 6 तक मिल जाती है, 6 साटा पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अगर हमारे कैबिनेट्स पे 4 हार्ड ड्राइव स्लॉट्स हैं और अगर हम इनको पूरा का पूरा भर देते हैं तो ऑब्वियसली एयर फ्लो हैम्पर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने हम ड्राइव्स कनेक्ट करते हुए जाएंगे उतने ही यहाँ पे साटा केबल ऐड होता जाएगा, उसके साथ साथ जो पावर कनेक्टर है वो भी बढ़ता जाएगा, उसके रिगार्डिंग केबल्स भी बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे एयर फ्लो हैम्पर होगा। ऑल्दो यहाँ पे एक सुविधा की बात मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आजकल साटा इंटरफेस को यूज़ किया जाता है। पुराने ज़माने में तो पाटा था, तो पाटा का केबल काफ़ी चौड़ा होता था जिस वजह से एयर फ्लो का तो बिल्कुल मतलब कुछ भी ठिकाना नहीं रहता था। तो ऑब्वियसली आजकल साटा है तो केबल यहाँ पे काफ़ी पतली हो चुकी है, पर फिर भी एयर फ्लो यहाँ पे हैम्पर होता है। अगर आपको साटा और पाटा के बारे में ठीक से जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आई बटन पे चले जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैंने एक वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा आप हार्ड ड्राइव लगाओगे उतना ही हीट बढ़ता जाएगा आपके सिस्टम में, तो इस टाइम पे अगर एयर फ्लो ठीक से ना हो तो हीट और बढ़ेगा और अल्टीमेटली इस हीट की वजह से आपका कंप्यूटर स्लो भी हो सकता है। ये मैं आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूँ पर ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इस बात पे भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा हीट होगा तो उसका लाइफ तो कम होगा ही, वो ज़्यादा दिन के लिए चलेगा नहीं, वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी तरीके से नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फ्यूचर अपग्रेडेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आजकल कंज्यूमर ग्रेड में जितने भी कैबिनेट्स हमें मिलते हैं इसमें ज़्यादातर 3 या फिर 4 हार्ड ड्राइव स्लॉट्स दिया हुआ रहता है, तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आप चारों के चारों स्लॉट्स को ही एक ही साथ ब्लॉक कर दो या फिर 3 स्लॉट्स को एक साथ ब्लॉक कर दो तो फ्यूचर में कोई एक नया हार्ड ड्राइव लगाने की जगह ही बचती नहीं है। तो यही है मल्टीपल लो कैपेसिटी ड्राइव्स लगाने की प्रॉब्लम्स। इस जगह पे अगर आप एक हाई कैपेसिटी ड्राइव कनेक्ट करते तो क्या होता, एक ही ड्राइव लगा रहे हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन कम होगी, हीट कम होगी, केबल क्लटर कम होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्पेस, वो भी यहाँ पे कम लगती। ऑल दो मैंने आपको जो भी डिसएडवांटेजेस बताया है मल्टीपल ड्राइव्स यूज़ करने का, ये वहाँ पे अप्लाई होता है अगर आप एक इंटरनल ड्राइव परचेस कर रहे हो। अगर आप मल्टीपल इंटरनल हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हो तो इस टाइम पे ये सारे पॉइंट्स अप्लाई होता है, पर अगर आप मल्टीपल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हो तो इस टाइम पे तो ये सोने पे सुहागा है। आप यहाँ पे जितने मात्रा में चाहो उतने ड्राइव्स परचेस कर सकते हो, उनको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे वाइब्रेशन और नॉइज़ तो है ही है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे इग्नोर करता हूँ, पर बाकी के जो चीज़ें हैं एयर फ्लो या फिर जो स्लॉट्स की कमी, ये सब कुछ तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के साथ होगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेस करने जा रहे हो तो मैं आपको ईजिली आँख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप मल्टीपल ड्राइव्स के साथ जाइए, एक ही हाई कैपेसिटी ड्राइव परचेस मत कीजिए। और हाँ, अगर आप एक ऐसा हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हो जिसमें
थंडरबोल्ट की सुविधा है, तो इस टाइम पे तो कुछ कहने लायक बात बचता ही नहीं है, क्योंकि थंडरबोल्ट हार्ड ड्राइव्स को आप डेजी चेनिंग के जरिए एक के साथ दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने डेजी चेनिंग के ऊपर पहले ही बात किया है अपने थंडरबोल्ट के वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। उसके साथ साथ डेजी चेनिंग के ऊपर फायरवायर वाले वीडियो पे भी बात हुई थी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर जाके देखिए। इस दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक थंडरबोल्ट बेस्ड ड्राइव खरीदते हो तो इस टाइम पे केबल क्लटर की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव खरीदते हो तो नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीदते हो तो इस टाइम पे केबल क्लटर की प्रॉब्लम तो रहेगी, पर जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है मल्टीपल ड्राइव्स खरीदने का, वो सीरियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आप डेटा की सिक्योरिटी चाहते हो तो इस टाइम पे आपको बैकअप बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना डेटा को सिक्योर रखना चाहते हो। रेड वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा काम का नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप रेड एरे क्रिएट करते हो तो इस टाइम पे आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है, रेड कंट्रोलर उसको कहते हैं। तो अगर बाय चांस आपका रेड कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो इस टाइम पे डेटा को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होती है। आप चाहे रेड 5 क्रिएट करो चाहे आप रेड 0 क्रिएट करो, तो अगर आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, रेड कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेटा को वापस से रिकवर कर पाना। अगर आप अपने हार्ड ड्राइव की जस्ट क्लोन बना लेते हो तो इस टाइम पे डेटा को रिकवर कर पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो डाटा आपके एक हार्ड ड्राइव पे है वही डेटा आपको अपने दूसरे हार्ड ड्राइव पे भी मिल जाएगा। तो क्लोन बना लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि रेड एरे में आपको कहाँ पे बेनिफिट मिलती है, अगर आपका हार्ड ड्राइव ख़राब हो रही है तो इस टाइम पे स्पेशली अगर आपने रेड 5 क्रिएट किया है तो अगर आपका एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो रही है तो उसको उस एरे से निकाल दो, एक नया हार्ड ड्राइव लगा दो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होती है रेड 5 में अगर आपका सिर्फ एक हार्ड ड्राइव ख़राब होती है। पर अगर यहाँ पे आपका रेड कंट्रोलर ही ख़राब हो जाता है तो इस टाइम पे कुछ करने का यहाँ पे रहता ही नहीं है, आपका डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ कंडीशंस में मे बी वो चीज़ रिकवर हो जाए, कुछ कंडीशंस में वो रिकवर नहीं भी हो सकती है। अगर आपको रेड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और आपने रेड क्रिएट कर दिया एक कंट्रोलर के ज़रिए, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे अगर आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं रेड को पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं यहाँ पे पर्सनली आपको क्लोन बनाने के लिए कहूँगा। अगर आपने एक हार्ड ड्राइव पूरा का पूरा भर दिया है तो ऐसे सिचुएशन पे आप सिंपली उस हार्ड ड्राइव का पूरा क्लोन बना लीजिए। अगर आपने पूरा का पूरा उस हार्ड ड्राइव को नहीं भी भरा है फिर भी आप रेगुलरली उस डेटा की बैकअप लेते रहिए अपने किसी दूसरे हार्ड ड्राइव पे। उसी हार्ड ड्राइव पे बैकअप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दूसरे हार्ड ड्राइव पे उस डेटा की बैकअप बनाइए अगर आपके लिए वो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो, अगर आपने वो डेटा खुद क्रिएट किया है तो। अगर वो डेटा आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा या फिर उसमें आपने कुछ गेम स्टोर किया है तो ऐसे सिचुएशन पे आपको बैकअप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली ऐसे सिचुएशन पे बैकअप नहीं लेता हूँ, राइट। तो यही है मेरा पर्सनल थॉट्स। सो यहाँ पे क्या करें, कौन सा परचेज करें, एक हाई कैपेसिटी ड्राइव या फिर मल्टीपल लो कैपेसिटी ड्राइव? अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हो तो मैं आपको आंख बंद करके रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल लो कैपेसिटी ड्राइव्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक इंटरनल हार्ड ड्राइव परचेस कर रहे हो तो इस टाइम पे आप यहाँ पे सोचिए, मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिया है। इस टाइम पे आप थोड़ा सा सोच के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, क्या आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है, अगर करना है तो किस तरीके से करना है, एक्सटर्नली लगाना है या फिर इंटरनली ड्राइव्स लगाना है। तो ये आप सोच के डिसीजन लीजिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, ये पूरी तरीके से आपके यूसेज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे ही होगा कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।